नमस्कार, मैं डॉक्टर संदीप उपाध्याय आज फिर एक नया वीडियो लेकर आया हूं। आपका मेरे चैनल ऑटो टॉक में स्वागत है। आज हम हीरो इलेक्ट्रिक के शोरूम में रायपुर में पहुंचे हुए हैं। यहां हम शोरूम ऑनर सुमित जैन जी से बात करेंगे और जिस गाड़ी का हम रिव्यू करने जा रहे हैं उसको हीरो इलेक्ट्रिक ऑप्टिमा कहते हैं। जी हाँ, इस गाड़ी की खास बात यह है कि यह विशेष तौर पर महिलाओं और कॉलेज गोइंग स्टूडेंट के लिए बनाई गई है। अगर आपका बच्चा ट्यूशन जा रहा है, कॉलेज जा रहा है या घर में कोई महिलाएं या कोई युवतियाँ हैं वो अगर बाजार सब्जी लेने या कुछ छोटे मोटे काम में जाना है तो ये गाड़ी उनके लिए बहुत ही बेस्ट है। इसमें ना तो RTO के लाइसेंस का खर्च लगेगा और ना ही बहुत ही मतलब आपके घर में ये छोटी सी मोटर लगी जो साइकिल होती है उसकी तरह है। तो हम बात करते हैं सुमित जी से। सुमित जी, पहले हम चाहेंगे कि आप गाड़ी के फ्रंट के बारे में बताएंगे, क्या अपील है गाड़ी ने, क्या जो आप कंपनी ने बनाया, थोड़ा सा एक्सप्लेन। सर, ये कंपनी ने इसे बनाया है कॉलेज गोइंग महिलाओं और डे टू डे जो आसपास के वर्क के हिसाब से इसको बनाया गया। और इसमें सामने तरफ पूरा LED लाइट दी हुई है, ब्राइट LED लाइट दी हुई है। आप जिस प्रकार से देखेंगे LED लाइट दी हुई है। लुक इसका बहुत अच्छा है, सामने से कहीं से भी ये इलेक्ट्रिक व्हीकल जैसे नहीं, पूरी पेट्रोल व्हीकल जैसी फील है। इसमें चलाने में बहुत इजी है, लाइट वेट है और इवन बुजुर्ग तक इसको आराम से चला सकते हैं। जो ओवर एज हो गए, 60 वाले, 70 वाले इसको आराम से चला सकते हैं क्योंकि इसकी वजन बहुत ही कम है। अलॉय व्हील और ब्रेकिंग और सस्पेंशन के बारे में बताइए। सर, इसमें नॉर्मल ब्रेक्स दी हुई है और इसमें पूरी तरह से अलॉय व्हील है। आप देखेंगे ट्यूबलेस टायर है, अलॉय व्हील है और इसमें सर क्रोम ब्रेक्स दिए गए हैं जो लुक में इसको खास विशेष देते हैं। अच्छा दिखा रहा है क्रोम ब्रेक। अब हम बात करेंगे मीटर के बारे में, बात करते हैं इसका क्या है, बैटरी मीटर के बारे में बताएंगे। सर, इसमें जो भी इंफॉर्मेशन ज़रूरत है आदमी को सब दी हुई है। बैटरी स्टेटस रहता है, कितनी इसमें चार्ज है बैटरी, कितना डिस्चार्ज हो रहा है, स्पीड रहता है, स्पीड के मीटर और किलोमीटर इसने कितना कवर किया है। अच्छा। पूरी तरीके से डिजिटल मीटर है, ब्राइट है और इसमें कितने मोड दिए गए हैं, क्या मोड है? मोड इसमें सिंगल मोड है। अच्छा। क्योंकि ये चूँकि लो स्पीड गाड़ी है। कितनी स्पीड चलेगी है? ये टॉप स्पीड इसकी 25-27 के आसपास की है। स्पीड चेक कर रहे हैं, टॉप स्पीड इसकी 27 तक देखिए आराम से ये गाड़ी चली जा रही है। फुल पे आपका वो एक्सीलेटर है और अच्छी गाड़ी है। और साथ ही इसमें देखिए ये एक मोबाइल चार्जिंग का पोर्ट दिया गया है, आप यहाँ पे आराम से USB को अटैच करके अपने मोबाइल को यहाँ रख सकते हैं। और ये काफ़ी सामने अच्छा स्पेस दिया गया है, एक हुक दिया गया है जिसमें आप सब्जी का थैला या कुछ भी अपना स्टेशनरी वगैरह रख वो कर सकते हैं। यहाँ पर हॉर्न दिया गया है जो काफ़ी अच्छा है। साइड में ये आपके इंडिकेटर हैं, इंडिकेटर्स हैं दोनों साइड के, ये अपर डिपर है और ये इसमें ये लाइट का हेडलाइट का लो बीम हाई बीम का दिया गया है। इसके बाद सुमित जी बात करेंगे इसके बैटरी पे आते हैं। जी सर, तो इसके बैटरी को आप बताएंगे क्या है इसमें बैटरी और क्या है इसका बैटरी की पावर। सर, इसकी बैटरी 48 वोल्ट्स की 28 AH की है जी, जो कि लिथियम बैटरी है। इसकी सबसे बड़ी चीज़, एक तो खासियत, इसकी डिक्की बहुत बड़ी है। ये इसकी बैटरी दी हुई है सर, ये लिथियम आयन बैटरी हुई है, लिथियम आयन बैटरी डिटैचबल है, डिटैचबल है सर। ये देखिए ये बैटरी पूरी तरह से डिटैचबल है। डिटैचबल इन द सेंस कि आप इस बैटरी को आराम से निकाल के घर के अंदर रख सकते हैं और ये बहुत छोटी बैटरी है चूँकि इसकी रेंज के हिसाब से देखा जाए और हल्की, इसको कोई भी बच्चा आराम से उठा सकता है। सर, ये बैटरी के बारे में बताएंगे क्या इसकी? सर, ये लिथियम आयन बैटरी है जो कि 48 वोल्ट्स पर रन करती है और इससे इस गाड़ी की पर चार्ज एवरेज 55-60 किलोमीटर्स आ जाती है आसानी से। अच्छा। और इसकी सबसे बड़ी खासियत है ये मात्र 9.5 किलो की बैटरी है, इसको आप आराम से कभी भी कहीं भी कोई भी फ्लैट में कैरी कर सकता है। ओके। और लिथियम आयन बैटरी होने की वजह से इसमें कंपनी 3 साल की वारंटी भी देती है। तो आज देखिए आप इसको हम अगर यहाँ से कहीं ला के, कहाँ पे चार्जिंग पॉइंट है सुमित जी, इसको अगर यहाँ पे रख सकते हैं। जैसे हम मान लीजिए हमारा कहीं है, घर पे इसको रख दिया और इसका
इसका चार्जर अभी हम मंगा रहे हैं, चार्जर अटैच करके आपको दिखाएंगे कि कैसे गाड़ी आपकी वहाँ पे खड़ी है, मतलब आपके घर के नीचे, और हम दूसरे फ्लोर में, तीसरे फ्लोर में कहीं भी इसको आराम से कैरी करके ले जा रहे हैं और वहाँ चार्ज कर सकते हैं आराम से। ये देखिए, ये इस बैटरी का चार्जर है जो हीरो इलेक्ट्रिक का इसमें बैजिंग है, मतलब कंपनी का चार्जर है, और टेस्टेड ओके टेस्टेड की इसमें वो दिया गया, और यहाँ पे हमने इसको अटैच किया है। ये नॉर्मल प्लग है जो घर में सभी जगह आपको आराम से पावर प्लग मिल जाता है, यहाँ पे हमने प्लग लगाया। तो इस बैटरी से अटैच करके दिखाइए हमारे ग्राहकों और दर्शकों को। ये देखिए, ये बड़े ही आसान तरीके से ये इसमें लग गया है, और इसके बाद हम यहाँ से पावर के बटन को ऑन करते हैं और ये बैटरी चार्जिंग ऑन हो गई। ये देखिए, यानी कि ये बैटरी फुल चार्ज है, तो यहाँ पे ग्रीन सिंबल, अभी ये रेड सिंबल आ गया, मतलब बैटरी चार्जिंग शुरू हो गई। और जैसे ही ये यहाँ दिया हुआ है चार्जिंग कंप्लीट होगी, तो यह ग्रीन सिंबल, ये लाइट ग्रीन जल जाएगी और आप जान जाएंगे कि हमारी बैटरी पूरी तरह से चार्ज हो गई। ये चार्जर के उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स बताएंगे हमारे दर्शकों को, और बैटरी की पावर क्या है वो बताएंगे। ये चार्जर नॉर्मल 6 एम्पियर के सॉकेट में भी चल जाता है, इसे किसी पावर केबल या पावर सॉकेट की ज़रूरत नहीं है। और सबसे बड़ी बात, इसमें एक फ़ैन दी हुई है और बहुत ही हैवी चार्जर, अच्छा इसको हीट नहीं होने देता बिल्कुल भी, और ये काफ़ी हैवी चार्जर है, इसकी लाइफ बहुत अच्छी है, काफ़ी समय तक चलता है ये चार्जर। और ये चार्जर जो है इस बैटरी को लगभग 4 घंटे में पूरी चार्ज कर देता है। अच्छा, 4 घंटे में ये पूरी बैटरी को फुल चार्ज कर देगा। सर, ये बैटरी की क्या कैपेसिटी है? ये बैटरी 48 वोल्ट्स की और 28 AH की बैटरी है इसमें। 48 वोल्ट 28 AH, इसकी जो सबसे अच्छी बात है, इसमें जो AH का जो पावर है वो 28 है, वो अच्छी चीज़ है। इसका मतलब इसकी पावर, जो आउटपुट पावर है वो काफ़ी अच्छी है, और 48 वोल्ट्स होने की वजह से इसमें शॉक या करंट का भी कोई भी संभावना नहीं रहती। अब गलती से हम हाथ छुआ भी जाता है, किसी की बॉडी टच हो जाती है, तो भी इसमें शॉर्ट सर्किट या कोई की नो रिस्क बैटरी है। अच्छा, इसमें क्या वारंटी क्या दे रहे हैं? इसमें कंपनी 3 साल की वारंटी दे रही है। अच्छा, बैटरी पे अगर यदि बैटरी में कुछ भी मिस्टेक आती है या फॉल्ट आता है तो कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट उसको रिप्लेस करके देती है। अब देखिए, ये आपकी बैटरी चार्ज हो गई है, और मैं इसको आराम से इसको यहाँ से ओपन निकालूंगा, ये निकल गया सॉकेट, और आप इसको किनारे रख के आराम से इसको कैरी करके ला सकते हैं। और हमको यहाँ पे इसको बहुत ही आसानी, मतलब इसको एक नॉर्मल आदमी, महिलाएं भी इसको वो कर सकती हैं, कैरी कर सकती हैं। ये आपका चार्जिंग की तरह इधर रहेगा, और ये आराम से बैटरी को अंदर थोड़ा सा मोड करके ये बैटरी आपकी पूरी तरह से बैठ गई है। अब ये वाले ना जी, इसके बाद हम इसको अटैच करके हल्का सा पुश करेंगे और ये आपकी बैटरी, गाड़ी कंप्लीट चलने के लिए गाड़ी आपकी तैयार हो गई। अब हम बात करेंगे गाड़ी के पिछले हिस्से की, पीछे क्या चीज़ें हैं, और ये नंबर प्लेट जो दी गई है, और ये पीछे जो आपकी मोटर है सस्पेंशन, उसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को। जी, ये सर नंबर प्लेट 0 एमिशन का है, इसमें RTO की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इस नंबर प्लेट में नंबर नहीं आते हैं। और इसकी मोटर आप देखेंगे इस व्हील में ही अटैच है, जो कि 250 वाट की मोटर है, 2 एडल्ट को आराम से कैरी करने के लिए इसकी मोटर डिज़ाइन की गई है, और पूरी तरीके से डस्ट और वाटर रेजिस्टेंट है। इससे बारिश के समय में, धूल में इस मोटर को कोई इफेक्ट नहीं आता, इसकी ड्यूरेबिलिटी के हिसाब से ये चलते जाती है। सुमित जी, एक लास्ट जो अहम सवाल है, जी हम ये जानेंगे आपसे कि इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट क्या है। हर गाड़ी में सर्विसिंग की ज़रूरत होती है, जी सर्विसिंग इसमें भी लगेगी, बट क्या है इसकी सर्विसिंग कॉस्ट, कितना चीप है, कितना? सर, इसमें सर्विसिंग कॉस्ट मात्र जो है 150 रुपये है, जिसमें कि इंजन ऑयल कुछ नहीं, मेन इसका बैटरी का चेकअप रहता है, जो कि 150 रुपये मात्र है। उसमें भी कंपनी 3 फ्री सर्विस पहले के देती है, जिसमें कि कस्टमर को कोई भी चार्जेस नहीं लगते हैं। कोई चार्जेस? इसकी कीमत के बारे में बताइए, क्या कीमत पड़ेगी, कितनी सब्सिडी कंपनी देती है ग्राहक को? सर, ये इसकी कीमत 58,900 रुपये की है, 58,900 की ऑन रोड है, जिसमें कि अभी इसमें कोई भी सब्सिडी नहीं है। मतलब आपको ऑन रोड 59,000 रुपये की, 58,900 यानी 59,000 रुपये की ये गाड़ी आपको यहाँ से पड़ेगी। इसमें इसलिए क्योंकि ये गाड़ी वैसे ही काफ़ी चीप है और काफ़ी हैवी ड्यूटी दे रही है, तो गवर्नमेंट ने अभी इसमें कोई सब्सिडी नहीं दे रही,
हीरो की अन्य गाड़ियों में काफ़ी में सब्सिडी दी जा रही है, जिसके बारे में हम अपने अगले वीडियो में आपको बताएंगे। आप हमारे चैनल में बने रहिएगा। और दूसरी बात, आपसे मेरा ये अनुरोध है कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और नीचे कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जरूर दीजिए।